शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। तहसीलदार व मंदिर अधिकारी विचित्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले नवरात्र से लेकर चौथे नवरात्र तक श्रद्धालुओं द्वारा माता शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 25.5 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की सुविधा व भीड़ को देखते हुए मंदिर 3 दिन छठी सप्तमी और अष्टमी को 24 घंटे खुला रहेगा ताकि कोई असुविधा ना अभी तक 4 नवरात्रों में हमारे यहाँ लगभग 25 लाख का चढ़ावा जो है चढ़ा है और इसके साथ साथ 2 किलो से ज़्यादा जो है चांदी चढ़ा है। अभी आगे क्योंकि भीड़ जो है छठी सातवीं सप्तमी और अष्टमी को बढ़ती है तो उसको देखते हुए आगे 3 दिन जो है मंदिर खुला रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, रात को भी खुला रहेगा। बाकी लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था की हुई है, हमने इस बार एडिशनल सफाई कर्मचारी भी लगाए हैं ताकि साफ सफाई बनी रहे और बाकी के प्रबंध भी पुख्ता है। आराम से लोगों को दर्शन हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं। आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। बाकी लंगर व्यवस्था हमारी लगातार चल रही है, सुबह शाम लंगर व्यवस्था पुख्ता है। इसके अतिरिक्त तो मेडिकल कैंप भी हमने लगा रखा है, कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो मंदिर के प्रांगण में ही हमने मेडिकल कैंप का व्यवस्था की है और बाकी की व्यवस्थाएं भी हमारी मंदिर के अंदर दर्शन से लेके जो भी मंदिर से रिलेटेड जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी हमने सुचारू रूप से चलाई हुई है। थैंक यू सर। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा।